बहुत डिफिकल्ट है यार पिलियन के साथ इतना लगेज पीछे लेके। शिट सो फ्रेंड्स, तनोत माता का दर्शन हो गया। सो नाउ वी लीव फ्रॉम हियर। 2:06 हुए हैं और ये टायर कुछ बराबर ग्रिप नहीं दे रहा है सैंड के ऊपर। ब्रेक तो दबाना है ही नहीं आगे का। आई एम सर्चिंग फॉर पेट्रोल यार। सो 38 किलोमीटर यहाँ से है लोंगेवाला। सो फ्रेंड्स, ये रोड टूवर्ड्स लोंगेवाला बहुत ख़राब है। रोड का काम चालू है। इतनी गंदी गंदी ऑफ रोडिंग करके आया हूँ ना यार, पूरा टायर स्लिप हो रहा था। सिर्फ पत्थर पत्थर डाल के रखे है। शिट मैन, अभी जस्ट इंक्वायरी की, आगे 4 किलोमीटर और ऐसे ही ये रोड है। अराउंड मोर देन 4 किलोमीटर क्रॉस किया है मैंने ऐसे ही यार। एक तो पेट्रोल नहीं मेरी गाड़ी में, उसमें से ये हालत। ऐसे रोड पे थोड़ी पेट्रोल पंप मिलेगा मुझे। लगता है मेरी लग गई, रामगढ़ में ही पेट्रोल मिलेगा। पत्थर स्लिप हो रहा है टायर के अंदर से। बहुत डिफिकल्ट है यार पिलियन के साथ इतना लगेज पीछे लेके। शिट, हाथ दुखने लगा है क्लच पकड़ के। फाइनली मंदा पैच चला गया हमारा। अभी भी यहाँ पे आगे पैच हो सकता है। ये देखिए पूरा रोड यहाँ पे तोड़ दिया है, आधा ही रोड रखा है। दोनों क्या चालू इनका, ये भी रोड बड़ा कर रहे हैं। हाइट देखिए कितने नीचे हो रोड। सो फ्रेंड्स, वी हैव सोने वाला विलेज लोंगी वाला के पहले लगता है यहाँ से। आगे रहा सोने वाला विलेज, रोड्स खराब। ये रोड जाता है टुवर्ड्स बॉर्डर। यस सर, मुंबई से। आप लोग तो मिलना है सर। हम निकले और बारिश का मौसम था, बोला बारिश कम रहेगा ये सब चीज में। पता लग रहा है हमारा भी हालत खराब हो रहा है। A few moments later. So friends, these are the border longing for me for sons. उन्होंने हमको पानी पिलाया। So this is the साइडे वाला प्लेस, वो कुआ है वहाँ पे जो मूवी में दिखाया था। तो इसको अभी बोल रहे हैं, उनको नाम दिया गया साइडे, ओल्ड साइडे वाला, और न्यू साइडे वाला थोड़ा आगे है। दे आर काइंड इनफ यार, मैंने बोला ना भगवान के साथ इन्हीं का नंबर लगता है हमको। इतना रुका के पानी पिलाया उन्होंने ज़बरदस्ती यार। इंसानियत बोलते हैं इसको और क्या। एंड सॉफ्ट टू देम यार, इतनी गर्मी में काम कर रहे हो। वो तो बोल रहे हैं ये तो कुछ नहीं, जुलाई में तो और रहता है, जून जुलाई में इधर हालत ख़राब हो जाती है। चलो सर निकलते हैं, थैंक यू। सल्यूट मैन, सल्यूट। वो बता रहे यहाँ पे पेट्रोल पंप है नहीं, रामगढ़ में पेट्रोल पंप है। दो ही डंडी है यार, भगवान बचा ले। अरे यार लगी पड़ी है फ्रेंड, देख लो कैसे चला रहा हूँ। वाला से वो 40 किलोमीटर है रामगढ़ जहाँ पे पेट्रोल मिलेगा। स्टिल मेरी बाइक 79-80 तो जाना चाहिए। जब रेंज दिखाता है तो 79 से स्टार्ट होता है, इतना तो याद है। अभी तक रेंज तो चालू नहीं हुई है। बहुत दूर दूर तक रोड का काम चालू है यार। शेट, फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ हर्डल वी रीच लोंगेवाला। बस यहाँ से पेट्रोल मिल जाए, रामगढ़ तक गाड़ी जाए। बस यहाँ पे छाव में खड़ी करते हैं। ये वाड़ू स्लीप होते तक आए। सो फ्रेंड्स, आई हैव रीच टू लोंगेवाला। ये एक राउंड है, वहाँ से रोड टूवर्ड आता है फ्रॉम रामबाग। यहाँ से रोड टूवर्ड जाता है टू तनोत, जहाँ से हम आए अभी। आपने देख सकते हो तो बॉर्डर, तो पाकिस्तान इज 15 किलोमीटर फ्रॉम हियर
and Jaisalmer is 108 kilometers. So let's go inside the layout. पाकिस्तानी टैंक जो उस वॉर में कैप्चर किया था. दिस इज द डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी टैंक. यहाँ पे है लोंगे वाला युद्ध की डिटेल्स. True man, very true. यहाँ पे दे शो द मूवी. सो फ्रेंड्स वो रहे पाकिस्तानी टैंकर्स. पाकिस्तानी टैंकर जो यहाँ तक आए थे. लेट मी ज़ूम इट एंड स्टे. लेक वहाँ पे भी है. सो यहाँ पे इंडियन आर्मी खड़े होके जो पाकिस्तान के जो टैंक्स थे वो इतने तक अंदर आके थे. देख लीजिए कितना सा डिस्टेंस है. ये इतने पास आ चुके थे वो लोग इनसाइड और इंडिया. सो यहाँ पे अपने शूर जवानों ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया एंड वी वॉन दैट वॉर. हैंड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी मैन. सो अभी जस्ट हम लोग ने ये शो देख लिया. अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है. दे जस्ट टेल यू द स्टोरी क्या हुआ था एग्जैक्टली लोंगेवाला में वॉर कैसे हम लोग जीते. बॉर्डर फिल्म के क्लिप्स यहाँ पे ऐड करके आपको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जाता है. वेन एवर यू कम डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस मूवी. आपको इस जगह की टोटल नॉलेज दे देगी. सो फ्रेंड दैट्स इट द म्यूजियम फॉर यू गाइज. ज़्यादा कुछ शूट करने देते नहीं है बिकॉज ऑफ 370. यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी टाइट है तो कुछ शूट करने दे नहीं रहे वो लोग अंदर. तो जितना हो सका उतना मैं दिखा दिया. सॉरी हालत ख़राब हो गई गर्मी से. पूछेंगे आईडी दिखा देना इनको तो ही वो अलाउ करेंगे आपको. चलो सर जी थैंक यू. फोर्टी थ्री लेके जा बस. माय बेस्ट आज तेरी घड़ी है भाई. 43 लेके जा. अभी का प्लान है रामगढ़ पहुंचेंगे पेट्रोल भरेंगे और उसके बाद सैम डून का रास्ता पकड़ेंगे. तो मिलते हैं आपको आगे. क्या होता है आपको पता ही चलेगा. सो फ्रेंड्स लोंगे वाला की बात करते हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार लाइफ में एक बार ज़रूर विज़िट करना है एक जगह. उस जगह पे विज़िट करने के बाद अंदर से जो जोश आता है ना यार बॉडी में आपको कहीं नहीं मिलेगा. ये व्लॉग देख के आपको उसकी कुछ जगह की कुछ फीलिंग नहीं पता चलेगी. उस जगह का इम्पोर्टेंस कुछ नहीं पता चलेगा. जस्ट लाइक एक मूवी क्लिप देख ली वैसे आपको फील आएगी. जब आप इस जगह पर विज़िट करोगे ना आपका खून भी खोलेगा और आपको प्राउड भी फील होगा. ऐसा मेरे साथ हुआ. मैं तभी वो सब एक्सप्रेशन आपके सामने कैमरे में बताना चाहता था बट ड्यू टू वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्डिंग करने अलाउ नहीं किया. आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन. यस माय कंट्री इज़ ऑलवेज फर्स्ट. पाकिस्तान बॉर्डर वाज ओनली 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर. जस्ट 15 किलोमीटर अपना पाकिस्तान है वहाँ से. पाकिस्तान जो एक ज़माने में अपने भारत का हिस्सा था वो जस्ट 15 किलोमीटर दूर है वहाँ से. हम सब एक ही तो थे. बस समय अपना खेल खेल गया. सो उस समय की जो डिसीजन ली गई थी आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट डिसीजन दैट मेकिंग अ पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम इंडिया. जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा. बट क्या करें लगता है यार क्योंकि अपने जैसे ही लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान में जो भी नहीं चाहती कि वहाँ पे वॉर हो. दोनों भी कंट्री एक साथ मिलजुल के रहे हंसी खुशी. बट क्या करें किसी के तो हाथ में ये सब चीज़ नहीं होती. बुरा लगता है यार मन में कभी कभी. वाई ऑल दिस थिंग्स. वॉर इज़ अ नॉट सॉल्यूशन. चलो सॉरी गाइस ये सब चीज़ बोल दिया आपके सामने. ये बात अंदर तहल रही थी जो अपने आप जुबा पे आ गई. सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी. दोस्तों वो रहा रामगढ़ का सेल फोन टावर. दैट मीन हम रामगढ़ पहुँच चुके हैं. साइन बोर्ड फॉर रामगढ़ भी जा सकती है और
एक ही बार बाकी है जो बन चालू हो रहा है। थैंक यू बेस्ट, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, यू सेव मी। सो फ्रेंड्स इज 4:32, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ले ली, बस आइसक्रीम खा लिया, बहुत अच्छा लगा अंदर से बॉडी को। अभी आगे ढूंढना है पेट्रोल पंप एंड देन शॉर्टकट टू सैम। सो फ्रेंड्स यही था वो लास्ट पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया आफ्टर रामगढ़, जाते हुए यहीं पे फील करना था, नो इश्यूज। थोड़ा टेंशन में रखा हमको बाइक ने, आखिर लास्ट इसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया हमने, नो इश्यूज। सो फ्रेंड्स हमने ले लिया है अंदर वाला रोड जो डायरेक्ट हमें लेके जाएगा सैम ड्यून में। सो आई रीच एट सम विलेज, लेट्स सी कासम भाई का कैंप कहाँ पे है। यार मुझे लगा था सैंड सैंड लिखेगा, ऐसा कुछ सैंड नहीं दिख रहा है, सैंड में ग्रीन ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं यार। सर बुकिंग किया हुआ है यार, कितने लोगों को जॉब देते रहो यार। आई कैन सी द टेंट, कसम भाई से जस्ट बात हुई, 2 किलोमीटर आगे ही है वो रोड पे खड़े हैं। लेट्स सी माथुड़ी थार रिसॉर्ट रॉयल कैंप्स, यार ये सब कैंप ही कैंप है। ये रहे कासम भाई, तो फ्रेंड्स अपने इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि ये व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है और अगर इसी व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा तो आप देखने को हो जाते हो बोर। सो हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म और अगले व्लॉग में आपको देखने मिलेगी डेजर्ट सफारी ऑफ जीप सफारी, कैमल सफारी एंड द ब्यूटिफुल डेजर्ट ऑफ राजस्थान। सो इफ़ एनी हाउ आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो यार ज़रूर लाइक बटन दबाइए। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दिस इज सागर साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। नीचे 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 जाएगा नहीं ना, आराम से पहुँच गए, बहुत तकलीफ हो गई यार। क्या हुआ? वो रोड बहुत ख़राब है उधर से तनोड से लोंगे वाला रोड पूरा खोद के रखा है 38 किलोमीटर। चलो फ्रेश होते फिर जाते हैं, ठीक है 10 मिनट फ्रेश हो जाओ।